केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आखिरी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। अभी सेकंड स्टार्ट करते हैं, इसका सेकंड पॉइंट बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस, फिर इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर इसके बाद आयनिक करेक्टर और डायपोल मोमेंट। आखिरी टॉपिक जो है इफेक्ट्स ऑफ बॉन्डिंग, इफेक्ट्स ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या इफेक्ट्स है किसके, केमिकल बॉन्डिंग का, ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड जो बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस। बॉन्ड लेंथ ये इसको हम बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन, एक एक म्यूचुअल शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड। तो फॉर एग्जाम्पल ये कोवलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है, ये हाइड्रोजन का जो एटम है सेंट्रल पार्ट है उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, और ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, अब ये इसका न्यूक्लियस है। तो दो एटम जब ऐसा ऐसा नजदीक आ रहे एक दूसरे के ऊपर, जब ओवरलैप हो जाते हैं, अब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, जब बॉन्ड बनता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, आफ्टर ओवरलैपिंग तो दो न्यूक्लियस, दो एटम के दो न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं। तो हाइड्रोजन में ये बॉन्ड डिस्टेंस कितना है, 74 पिकोमीटर है, हाइड्रोजन में ये 74 पिकोमीटर है, और यानी हाइड्रोजन में ये जो डिस्टेंस है 74 पिकोमीटर है। फिर इसके बाद कार्बन कार्बन के दरमियान जो ये डिस्टेंस है, दो कार्बन के दरमियान ये डिस्टेंस 154 पिकोमीटर है, और इसी तरह जो है दो एफ के दरमियान, दो एफ के दरमियान ये डिस्टेंस कितना है 144 पिकोमीटर है, दो सीएल के दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस है, जो बॉन्ड लेंथ है 198 पिकोमीटर, दो बीआर के दरमियान यानी इस बीआर का न्यूक्लियस इस बीआर का न्यूक्लियस और लैपिंग के बाद इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं, वो कितना है 228 पिकोमीटर है, और आयोडीन के दरमियान जो ये बॉन्ड डिस्टेंस है वो कितना है 266 पिकोमीटर है। जब इसको हम डिफाइन करेंगे द डिस्टेंस यानी दो न्यूक्लियस के दरमियान या दो न्यूक्लाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लाई ऑफ टू बॉन्डिंग एटम्स इज नोन एज बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लाई यानी दो न्यूक्लाई, दो एटम्स, दो एटम्स के जो दो न्यूक्लाई हैं उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ओवरलैपिंग के बाद इसको हम बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं। अब ये बॉन्ड डिस्टेंस जो है एक्सपेरिमेंटली भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, प्रैक्टिकली इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक टेक्निक है इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन स्टडीज, इसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन स्टडी के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडी के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और स्पेक्ट्रल स्टडीज के थ्रू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बॉन्ड डिस्टेंस। बॉन्ड डिस्टेंस हम इसे भी मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कितना है 74
पिकोमीटर है। अब 74 पिकोमीटर का जो ऑफ होता है वो कितना है, 37, ये भी 37 और ये भी 37 है। कार्बन कार्बन के दरमियान जो है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस कितने है, 74 है। अब इसका ऑफ कितना है, 37, और इसका ऑफ कितना है, 37 है। कार्बन कार्बन के दरमियान जो टोटल बॉन्ड डिस्टेंस है 154 है, तो इसका ऑफ कितना है, ये भी 77 और ये भी 77। FF के दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस है 144 है, इन दोनों का जो ऑफ है वो 72 और ये भी 72 है। अब यहाँ भी ये टोटल डिस्टेंस 198 है, इसका ऑफ कितना है, 99 और ये भी 99। बी आर कंप्लीट, जो डिस्टेंस है 228 है, इसका ऑफ कितना है, 114 114, और ये कंप्लीट डिस्टेंस 266 है और इसका ऑफ कितना है, 133 है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन अगर कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन अगर कार्बन के साथ बना रहा है तो हाइड्रोजन का ऑफ तो हमें मालूम है कितना है, 37 है, और कार्बन का ऑफ कितना है, 77 है। तो टोटल जो बॉन्ड डिस्टेंस से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कितना है, 77 और 37 14 1 3 10 11। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान कितने हैं, 114 है, 114 पिकोमीटर है। तो दो एटम्स अगर ऑफ हमें मालूम है तो वो दूसरा एटम जब नेक्स्ट एटम के साथ और एक एटम के साथ जब बॉन्ड बना रहा है तो उस बॉन्ड का जो टोटल डिस्टेंस है हम मालूम कर सकते हैं। एक तो एग्जैक्ट ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन टेक्निक्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन स्टडी, एक्स रे डिफ्रेक्शन स्टडी और स्पेक्ट्रल स्टडी। फॉर एग्जाम्पल यही हाइड्रोजन अगर F के साथ बॉन्ड बना रहा है, अब ये बॉन्ड डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, एक तो हम इन टेक्निक के थ्रू एग्जैक्टली 100% फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं हाइड्रोजन का ऑफ कितना है, 37 है, और F का ऑफ कितना है, 72 है। दोनों को प्लस करते हैं, अब ये बॉन्ड डिस्टेंस बन गया, तो 72 और 37 789 और ये 10 109 पिकोमीटर है। इसी तरह हाइड्रोजन का सीएल के साथ, फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, एक तो हम इन टेक्निक्स के थ्रू मालूम कर सकते हैं एग्जैक्ट, यहाँ पे 100% हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एक हम एक और तरह से भी मालूम कर सकते हैं एच का कितना है, 37 है, और सीएल का ऑफ कितना है, 99 है। दोनों को प्लस करते हैं कंप्लीट बॉन्ड डिस्टेंस बच जाता है, तो 99 37 16 1 कैरी 10 13 136 पिकोमीटर। इसी तरह हाइड्रोजन का बीआर के साथ ये बॉन्ड डिस्टेंस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एक जिस तरह मैंने बताया था इन टेक्निक्स के थ्रू 100% हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेकंड जो है, हम यहाँ पे एच का हमें मालूम है आप कितना है, 37 है, और बीआर का आप कितना है, 114 है। इन दोनों को प्लस करते हैं टोटल कंप्लीट डिस्टेंस बन जाता है ये 37 11 145 155 पिकोमीटर। और इसी तरह जो है हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं हाइड्रोजन का कितना है, 37 है, और आई का ऑफ कितना है, 133 है। इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं 133 37 10 167 170 पिकोमीटर। इसी तरह जो है फॉर एग्जांपल हम अगर हम कार्बन और फ्लोरीन का फाइंड आउट करना चाहते हैं, कार्बन का ऑफ कितना है, 77 है, और फ्लोरीन का ऑफ कितना है, 72 है। तो दोनों को जब हम प्लस करते हैं 149 पिकोमीटर है कंप्लीट कार्बन और एफ के दरमियान। तो इसी तरह अगर दो का ऑफ हमें मालूम है तो इससे जितने भी बॉन्ड्स है बॉन्ड डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ क्या है, दो एटम जब ओवरलैप हो जाते हैं तो दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट जो इसी बॉन्ड लेंथ का टॉपिक है वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसका इफेक्ट होता है बॉन्ड लेंथ पे या बॉन्ड डिस्टेंस पे।